असमवासियों के लिए एक गर्व का क्षण है। लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलिता को सेना के पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल कलिता 1 फरवरी को अपना कार्यभार संभालेंगे। और यहां बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल राणा पी कलिता पहले असमिया हैं जो सेना के इस पद पर नियुक्त किए गए हैं। फिलहाल इस पद पर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे सेवारत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल पांडे आर्मी स्टाफ के नए वाइस चीफ होंगे, जिसके बाद असम और पूर्वोत्तर जैसे संवेदनशील इलाके की कमान अब लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलिता के हाथों में होगी। तो बता रहे इस वक्त एक अहम और बड़ी खबर, असमवासियों के लिए एक गर्व का यह क्षण है। लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलिता को सेना के पूर्वी कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल कलिता 1 फरवरी को अपना कार्यभार संभालेंगे। और यहां बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल राणा पी कलिता पहले असमिया हैं जो सेना के इस पद पर नियुक्त किए गए हैं। फिलहाल इस पद पर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे सेवारत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल पांडे आर्मी स्टाफ के नए वाइस चीफ होंगे, जिसके बाद असम और पूर्वोत्तर जैसे संवेदनशील इलाके की कमान लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलिता को सौंपी गई है। और यहां बता दें कि पिछले साल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलिता को उत्तम युद्ध सेवा मेडल पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलिता अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।